नमस्कार। आपका नाम बताइए। भगवान राव सालुंके, गांव बड़वी, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन। गुड। कितने एकड़ जमीन आपकी? मेरे पास 4 एकड़ जमीन है सर। 4 एकड़ जमीन। कितने साल से आप जैविक खेती कर रहे हैं? मेरे को सर ये 5वां साल है मेरा। 4 साल कंप्लीट हो गए, ये 5वां साल है। पूरी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? पूरी प्राकृतिक। साल भर से तो ये 3 साल तक तो मैंने बहुत इसमें जीवामृत वगैरह चलाया, अभी साल भर से तो केवल पानी से काम चला रहा हूँ मैं। अलग वो जैविक खेती नहीं कहलाएगी, प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती कहलाएगी। क्या क्या लगाया आपने? सर मेरे पास केला है, पपीता है, गन्ना है और प्याज है। इधर आप देखे तो टमाटर है, बैंगन लगा हुआ है, हल्दी है, अदरक है। उसके बाद 4 एकड़ में हल्दी भी, टमाटर भी, मटर भी, प्याज भी और अदरक भी और अभी डिमांड भी सारी चीजें। हरा धनिया है, पालक है, मेथी है, पालक मेथी, वेरी गुड। और ये केला है आपका? केले के अंदर ही आपके पपीता भी है? पपीता भी है और मैंने इसमें सब्जियां भी लगा रखी है। अभी कुछ मैंने जैसे केले निकलते जा रहे हैं तो इसमें लौकी लगी हुई है, गिलकी लगी हुई है, तुरई लगी हुई है। कम से कम इसमें 8 से 10 तरह की सब्जियां, और ताकि ये जैसे ही केला खत्म होता है तो मेरी सब्जियां चालू हो जाएगी। अभी आपने केले, अपने गन्ना आपने जो लगाया था, एक मिनट, उस गन्ने से आपने गुड़ बनाया? क्या भाव बिक रहा आपका गुड़? सर गुड़ मेरा, मैंने 2 महीने पहले व्हाट्सएप पे डाल दिया था तो 100 रुपए किलो का रेट था। उसमें मेरा गुड़ निकला 10 क्विंटल, वो 8 क्विंटल तो चले गया, 2 क्विंटल और वो भी ऑर्डर का है सर। अरे वेरी गुड। मतलब खड़े खड़े चीज बिक जाती है? हाँ, खड़े खड़े। और ये सारे केले और सब्जियाँ? ये सब्जियाँ सब इंदौर जाती है सर। अच्छा। केला, पपीता और जितनी भी सब्जियाँ सब इंदौर जाती है, पार्सल होता है। अब तो जीवामृत भी नहीं लगता आपको? अब तो सर मेरी जो भी मजाक मारी थी सारी खत्म हो गई। शुरू शुरू मैंने जीवामृत, पंचगव्य, जितनी भी जो भी लगती है जैविक में, सारी चीजों का उपयोग 3 साल रेगुलर करा, पर आज मेरी जमीन इतनी मुलायम हो गई और उसमें केचुए की मात्रा इतनी पर्याप्त मात्रा में हो गए हैं कि मेरे को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो पत्ते का ग्रिलेस है बहुत शानदार है और पत्ते की चौड़ाई, लंबाई, पौधे की ऊंचाई जो देखो आप, की केमिकल वाली जगहों में भी नहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अपने आप और आपकी हल्दी भी बहुत शानदार। हल्दी सर, हल्दी की खुशबू बहुत शानदार है। हल्दी, अदरक, सभी का टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो ये 4 एकड़ का कोई भी चीज मंडी नहीं जाना पड़ती? मंडी जाने का कोई काम नहीं। सारी चीजें आप के ग्राहक उपभोक्ता सीधे ले जाते हैं? सीधे उपभोक्ता ले जाते हैं। और मेरे पास ये मान के चलोगे अभी सब्जियों की कमी है, नहीं तो 1 क्विंटल रोज का ऑर्डर है मेरा सब्जियों का। बहुत बहुत पर डे का 1 क्विंटल का ऑर्डर है सर। तो आप अपने परिवार के लिए और आम जनों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैंने तो 4 साल पहले प्रण ले लिया था कि मैं आज के बाद केमिकल को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो सर 4 साल से मैं जैविक खेती खुद भी कर रहा हूं और मेरे पड़ोस में जो खेती है 4 एकड़ ठेके से लेके उस पर भी जैविक खेती कर रहा हूं। बहुत बहुत आप जैविक मत बोला करो, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक, बिल्कुल ठीक है। मैं पीएस बारचे खरगोन जिले से और ये भगवान राव जी मेरे कृषक है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और लेना बेटा एक मिनट, लेना। ये भगवान राव जी जो है बहुत बढ़िया एक कृषक है जो 4 एकड़ में सब केवल खाने पीने की चीज लगा रहे हैं। इनका माल मंडी नहीं जाता, उपभोक्ता के घर सीधा जाता है। ये लोगों को जीवन दे रहा है। मैं चाहता हूँ देश का हर किसान इसी दिशा में आगे आए और ऐसा संकल्प लेके अपने परिवार का भी भला करें और आम लोगों का भी भला करें। सबको अच्छा पोषण दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी ऊर्जा दे। खरगोन से मैं पीएस बारचे, धन्यवाद।